दोस्तों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हम अपने स्टूडियो में हमेशा से ही कुछ खास शख्सियतों को यहां पर खास तौर पर आमंत्रित करते हैं, और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है एक ऐसी शख्सियत को जो वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ उपस्थित हुई हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइंडसेट कोच, एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग एंड सेल्फ मास्टरी, डायरेक्टर ऑफ आर्ट बसेरा क्लब की डायरेक्टर मिसेस आरती योगेश खंडेलवाल। आरती मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू ऑल्सो। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, ऐसी सोच रखने वाली आरती खंडेलवाल से आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि वैसे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बिकॉज आज वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का जो है वो नाम रोशन कर रही है, साथ ही साथ उनके जो स्टूडेंट्स हैं आज हर जगह उनका और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, और इनके अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी कि आरती मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कोच आरती खंडेलवाल, और दोस्तों कहा जाए तो एक इंसान ही हूँ, बट जैसा कि मैम ने कहा कि भाई परिंदे में जमीन नहीं है मंजिल मेरी, आसमान बाकी है, तो बचपन से अचीवमेंट लेते आई, तो बहुत सारे अचीवमेंट में यदि मैं फास्ट बताऊं तो फिलहाल में भारत गौरव सम्मान मुझे दो बार मिल चुका है, एक बार एज अ मल्टी टैलेंटेड लेडी और एक बार एज अ इंटरनेशनल मोटिवेशनल कोच। उसके अलावा अभी हाल में ही मुझे दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑनर दिया गया। थैंक यू मैम, दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि अब्दुल कलाम जी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, और exactly. पूरे लॉकडाउन में हमने लाइफ स्किल एक अलग तरीके के एजुकेशन की बात की। उसके अलावा द सुपर वुमेन ऑफ इंडिया का भी नवाजा गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं अपने मुँह में, नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हाँ बस ये सब मिला है अचीवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी मेहनत, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट और ब्लेसिंग से। जी बिल्कुल दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी को अपने जीवन में प्रेरणा की बहुत आवश्यकता होती है, और ये जो बात है हम वो इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आप सभी को, हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है, और आज हमने इसी खास मौके को ध्यान में रखते हुए अपने स्टूडियो में एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर को आमंत्रित किया है जिनकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। पर मैम देखिए, आपने तो सभी लोगों की लाइफ चेंज किया है, लोगों के जीवन में खुशियां लाई हैं, बहुत से लोग जो हैं वो निराश होते हैं, कुछ ना कुछ जो है कोरोना काल में अप एंड डाउन आए हैं, उन लोगों के भी जीवन को आपने एक नई दिशा देने का काम किया है। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा किससे मिली है। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और बहुत गर्व से कह सकती हूँ, सभी कहते होंगे कि भाई प्रेरणा मिली है मुझे सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, और माँ से शुरुआत करूँ, इसका एक इंसिडेंट भी बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी बताएं। हाँ, बचपन में मुझे याद है कि मैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्ची रही हूँ, तो हर चीज़ में मैं बहुत आगे रहती थी, मेरिटोरियल स्टूडेंट थी, तो ऐसा होता था कि जब मैं वो सब में बिजी हूँ तो मेरे फ्रेंड्स को मैं टाइम नहीं दे पाती थी, और फ्रेंडशिप में आप जानते हैं फिर वो कमेंट करना शुरू करते हैं कि तेरे पास तो टाइम नहीं है, और वो ग्रुप अलग बना लेते हैं, तो मैं अपनी मम्मा से शिकायत करती थी एक दो बार। तब मेरी मम्मा ने बोला था कि बेटा तू उनके पीछे क्यों लगी रहती है, खुद में इतना टैलेंट भर, खुद में इतना अपने आप को बना ले कि वो तेरे पीछे आए, नोट्स के लिए आए, सभी चीज के लिए आए। और वो लाइन उस दिन से लेकर आज तक रग में बसी हुई है कि हमें ऐसा काम करना है खुद के लिए, दुनिया के लिए, कि लोगों को हमारी जरूरत पड़े। तो सबसे पहली मम्मा प्रेरणा है, पापा मेरे प्रेरणा है, उसके साथ देखिए भाई, फैमिली, और जब इन लॉज यहाँ नागपुर में जब मेरी शादी हुई, आई एम फ्रॉम ओडिशा, लेकिन नागपुर में जब शादी हुई तो हस्बैंड, यहाँ के जो मेरे मम्मी पापा हैं,
जो घर है, मतलब टोटली सभी से मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिला एंड आई एम हियर। ये कह सकते हैं कि मैम आप अपने पूरी लाइफ में बहुत लकी हुई है, दूसरों के लिए भी और खुद भी आप एक बहुत लकी चाइल्ड रही है। दोस्तों मोटिवेशन वैसे तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन सही मायने में ये किसी भी के भी जीवन को जो है वो बदल सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है मोटिवेशनल गुरु की। आप इस बात से कितनी सहमत है ये बताइए। क्या बात है मैम, आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछ डाला और मैं बहुत अच्छे से इसका आंसर देना चाहूँगी। दोस्तों देखिए, आज मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं यदि लाइफ के बारे में बताऊँ तो आज के हर किसी का एक शौक हो गया है कि खाओ पियो और मस्त रहो, जिंदगी में मज़ा है। लेकिन जब हम उस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं बिना कुछ प्लानिंग, बिना कुछ सोचे, तो एक पड़ाव आता है जब हम अचानक से कोई मुश्किल में पड़े तो हम डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, और एंड हमें क्या दिखता है मैम, सुसाइड या कुछ भी ऐसे गलत कदम उठाना। उस जगह पे यदि किसी ने छोटा सा भी आपको मोटिवेशन दे दिया तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और ये मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, क्योंकि ये कोविड के दौरान में जब मैंने ये स्पीकिंग चालू किया, जब मैंने उनके साथ इम्प्लीमेंटेशन चालू किया, तो लोगों की लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल, हर लाइफ के एस्पेक्ट में मैम। तो यहाँ पर बिल्कुल कहूँगी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होगा। जैसे कहते हैं प्रवचन नहीं प्रयोग करिए, तो मोटिवेशन के साथ यदि आप एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। तो मोटिवेशन एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की बात करती हूँ। क्या बात है मैम, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगी या प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे तब तक शायद कुछ भी नहीं असंभव है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मोटिवेशनल गुरु ही होता है जो हमें गलत जगह पर जाने से रोकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पता है कि अभी कोरोना काल में तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आधे से ज़्यादा जो पब्लिक थी वो तो डर के मारे जो हैं वही सुसाइड और कहीं ना कहीं कोई जो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो अटेम्प्ट कर रही थी। और ऐसे समय में एक मोटिवेशनल गुरु का साथ जब मिलता है तो सही में लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। आज की इस भागदौड़ भरे ज़िंदगी में हर कोई बिजी है, दुखी है, विशेष रूप से आज की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा निराश और हताश है। आज का युवा वर्ग अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं फोकस करना चाहती हूँ सिर्फ आज की यूथ जनरेशन पे। बहुत ही बढ़िया मैम, मैं बिल्कुल एज अ पेरेंटिंग कोच मैंने हमेशा से ये कहा है कि हमारा देश विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हमारे देश के बच्चे, क्योंकि मैं युवा के पहले बेसिक में भी आना चाहूंगी मैम, क्योंकि बेस से युवा बनेंगे और युवा से वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो देश को यदि ग्रेट लीडर्स देना है तो युवा। अब यहाँ पर फिर मैं आऊंगी कि आज की जो जिंदगी है, जिस तरीके से युवाओं की अपब्रिंगिंग हो रही है, जो आपने करियर कहा, आज माँ बाप ही कहीं ना कहीं करियर मतलब सिर्फ फाइनेंशियल करियर के बारे में बात कर रहे हैं, और सिर्फ फाइनेंशियल के कारण वो बच्चा न टॉलरेंस न सह मतलब कहा जाएगा पेशेंस, कोई चीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर युवा वर्ग में इतनी जो भाग दौड़ हो रही है, लेकिन उसमें यदि युवा वर्ग लाइफ स्किल पे काम करे, लाइफ स्किल मीन्स अपनी ज़िंदगी को दिन भर जीना, और यहाँ पर युवा वर्ग में जो लेजीनेस वाली चीज़ है पहली ये, और एक प्रोकास्टिनेशन कल कर लूँगा बाद में कर लूँगा, तो वो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को रोक रही है। तो युवा वर्ग इंजॉय करिए, आज आप मुझे भी देखेंगे ना मेरे फेसबुक इंस्टा सब जगह देखिए मैम, हर दिन बिल्कुल हर पल इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके साथ उनको करियर बनाना है तो उनको लाइफ स्किल के सभी पिलर्स पे बेस्ट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैम, मैं चाहती हूँ कि अभी जैसा कि आपने कहा कि आप हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को जो है वो स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा, आपकी लाइफ का मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा बेस्ट टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि यार नहीं, लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते करते मैं बोर हो चुकी हूँ, तो अब मुझे इस फील्ड को छोड़ना है, क्या कभी आपको ऐसा लगा? यार मैम यही तो ज़िंदगी है। बट हाँ, आपने टर्निंग पॉइंट की बात की तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहूँगी। दोस्तों आज यहाँ पर बार बार मैम ने कहा कि आप पूरे अपनी लाइफ हिस्ट्री को बताइए, तो बचपन से
हमेशा क्रिएटिव रही, 24/7 सभी को मिला रहता था, मेरे भाई बहन भी टीवी देखते थे, लेकिन हमेशा एक मोटिवेशन भी मिलता था कि नहीं उसके साथ भी कुछ करना है। तो लाइफ में कुछ किया, और फिर मैंने अपना करियर के बारे में बात करें तो आर्ट बसेरा क्लब खोला। आर्ट बसेरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि लाइफ इज एन आर्ट। यस, तो आर्ट हर चीज में है, और बचपन से यदि बोला जाए तो मैं ओडिसी में विशारद हूँ, या फिर कहा जाए गरबा क्वीन हूँ नागपुर की, तो हर फील्ड में जो भी किया अव्वल किया। तो मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद ये आर्ट बसेरा रन चल रहा था पूरे नागपुर में, हर सोशल समाज में भी मैं एक्टिव थी, तो सोशल भी चल रहा है आर्ट बसेरा में, हर तरीके का टैलेंट एज एन आर्टिस्ट आप देख सकते हैं। मतलब जो कहा जाता है कि रंगोली हो, गरबा हो, सब चीज में हमने रिकॉर्ड भी बनाया है, आप लोगों को दिखेगा जी। लॉकडाउन में भी मैंने वो सारे काम किए, मतलब लॉकडाउन मेरे लिए बूम लेकर आया, जो टर्निंग पॉइंट कैसे लाया मैं आपको बताती हूँ कि आर्ट बसेरा फिजिकली बहुत अच्छा चल रहा था नागपुर में, महाराष्ट्र में तो मैं फेमस हो ही रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, जब सब बच्चे या सब लोग घर पे बैठ गए, तब भी मैं हर रोज अपने बच्चों के साथ सुबह से जो रूटीन फॉलो करना है वो कर रही थी। जब लोगों ने फेसबुक वगैरह में मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मैम हमें भी बताइए कि हम अपने बच्चों को जो अभी लॉकडाउन लग गया है तो 11 बजे 12 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर मैंने धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो जब दिया तो मुझे समझ में आया कि जो मैं दिल से चाहती थी, मैंने बहुत अच्छा, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन डांसर, लेकिन ये सब ना कहीं सिर्फ फिजिकल स्किल को चेंज कर रहा था, लेकिन अच्छा। लोग अंदर से परेशान थे। जब उन चीज़ों पे अंदर से मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि क्या बताया मैंने, जो मैं खुद में इम्प्लीमेंट कर रही थी, जो मैं मेरे बच्चों में इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, इंटरनेशनल स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड क्लब हमने खोला। अच्छा। और पूरे, चाहे वो जापान के हों, दुबई के हों, कतर के हों, लंदन के हों, काफ़ी जगह से पेरेंट्स और बच्चे मेरे साथ जुड़े। क्या बात है। और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो लोगों ने इतना डेडली मुझे इम्प्लीमेंट किया कि आज एक नहीं, दो नहीं, 15 से ज़्यादा बच्चे मेरे इंडिया, एशिया एंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं, कोई दुबई का है, इंडिया के हैं, गांव से हैं, शहरों से हैं, तो बस उनके टैलेंट को निकालने का काम किया। मतलब हर जगह से जुड़े हैं आपके साथ। बिल्कुल, तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा लॉकडाउन। और दूसरा एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी कभी हम अपने में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम अपने टैलेंट को भी निकालने के लिए मौका नहीं ले पाते। बिल्कुल। तो गणेशा का टाइम आया, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ जजमेंट अपने कॉलोनी के उसमें, तो वहाँ पर मेरे बेटे ने बोला मम्मा आप इतने रंगोली बनाते हो, न्यूज़पेपर में आता है, इस बार कुछ रिकॉर्ड बनाओ। मैंने बोला अरे बहुत अच्छी बात है। तो बस एक मंदिर में गए, वहाँ बात की और गणेशा रंगोली बना डाली 3 दिन के अंदर, जिसमें 351 गणेशा एक गणेशा के अंदर है, और उसका भी हमने इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप देख सकते हैं। फिर मुझे लगा ये तो मैंने खुद का अचीवमेंट किया, मैंने मेरे दोनों बच्चों को बोला कि तुम दोनों को भी इसमें कुछ करना है। तुरंत 20 डेज के अंदर वो दोनों बच्चों ने भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिखाया, और यही नहीं रुका, मुझे लगा ये तो मैं और मेरे बच्चे हो गए, अब मेरे क्लब के बच्चे। अच्छा। तो उसी के 3 महीने के अंदर ही नवरात्र आई, और 11 बच्चों के साथ मिलकर हमने 3D आर्ट ऑफ देवी दुर्गा का बनाकर नारी तू नारायणी का भी रिकॉर्ड बना डाला। तो टर्निंग पॉइंट बस कहीं ना कहीं खुद के अंदर से जब हम रूबरू हुए ना मैम लॉकडाउन में, हाँ। वो था। क्या और बात है। लोगों का दूसरा जो मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ये चीज छोड़ेंगे, तो मुझे समझ में आया कि अब लोगों को ना बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। एग्जैक्टली। स्किल सेट तो सब सिखा देंगे, लेकिन अंदर से क्या करना है, परवरिश कैसी करनी है 21st सेंचुरी में, भागम भाग वाली लाइफ में, उसको मैंने अपने तरीके से। और एक और मैं लेकर चलती हूँ मैम, भारतीय संस्कृति हमारा अभिमान। क्या बात। तो पूरी संस्कृति को हमने जोड़ते गए, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए लेकिन अलग अंदाज में, हर चीज़ सेलिब्रेट किया लेकिन ऑनलाइन। आप देखिएगा मेरे हर बच्चों ने एक एक फेस्टिवल को द बेस्ट बनाया ऑनलाइन। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी कि हाल ही में कोरोना काल में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आप नागपुर के बच्चों के लिए लेकर आई थी, जिसमें आपने बच्चों को खास तौर पे प्रैक्टिकल करके दिखाया था, जहाँ पर आप
पेड़ों को के पास जो लेकर गई, पेड़ों से किस तरह से प्यार करना चाहिए, जो एनिमल्स हैं उनके साथ किस तरह सा बिहेवियर करना चाहिए, किन चीज़ों से क्या मिलता है, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उस चीज़ को. या मैं बहुत ही मतलब यूनिक बोलेंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ थी जी. यहाँ पर मैं मैम की बात को थोड़ा चेंज करना चाहूंगी. मैम ये लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन 2020 मार्च में लगा और 2020 जनवरी को मैंने अपना आर्ट बसेरा क्लब नागपुर के बच्चों के लिए खोला था. तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट था? तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा ही था कि 12 महीने 12 धमाल करना है. तो सबसे पहले नागपुर का फर्स्ट काइट फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट बच्चों ने फ्ली मार्केट लगाया और बहुत अच्छे तरीके से हमने उस चीज को फिट करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर जहांगीर जी आकर वहां पर अपनी पतंग उड़ाए और बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया. जो मैम बात कर रही हैं, जस्ट उसके बाद एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ. वैलेंटाइन डे आया और वैलेंटाइन डे के दिन मैंने ऐसे ही अपने बेटे को कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे. तो बेटे ने कहा, मम्मा पापा खड़े हैं, ये पापा इज योर वैलेंटाइन, आप उन्हें विश करिए. तो मुझे लगा नहीं, ये हमारी संस्कृति में बच्चों को गलत मैसेज जा रहा है. Exactly. है ना. तो प्यार का मायना सिखाने के लिए मैंने तुरंत अपने क्लब के सारे बच्चों को इन्वाइट किया और हम गए. कहाँ गए? हम एक वृद्धाश्रम गए जहाँ पे गौशाला भी था, बहुत सारी चीज़ें थी. और वहाँ जाते जाते रास्ते में मुझे एक पिंजरे में बंद पंक्षी मिला, उसे भी हम ले गए. वहाँ पे जाते ही सबसे पहले हमने उस पंक्षी को उड़ाया और मैंने बच्चों को बताया लव टू बर्ड, हमें कैद नहीं रखना है, हमें उड़ाना है. फिर हमने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया, हमने कहा लव टू एनिमल. उसके बाद पेड़ों को हक करना सिखाया, लव टू नेचर, वही तो हमें आगे जिंदगी देंगे. वहाँ पे बच्चों ने खुद अपने हाथों से फ्लावर्स बनाए और पूरे ओल्ड एज जितने थे उनको दिया बुजुर्गों को और कहा लव टू एल्डर्स. खुद के माँ बाप को हक कराया, लव टू योर फैमिली, और इस तरीके से लव का मायना बताया मैम. बस तो ये चीज़ तो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ थी. और जिस समय मैंने ये सुना था और देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे शहर में भी ऐसे बड़े बड़े उस्ताद जो हैं वो शामिल हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति को संजोग कर रखने में बिलीव करते हैं. मैम अभी जो मेरा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला होगा. अगर आपको लाइफ में कोई भी चेंज करने का मौका मिलता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, तो आप किस पर सबसे पहले फोकस करेंगी? इसको भी नेगेटिव नहीं, मैं तो पॉजिटिव लूंगी. क्या बात है, क्या बात है. सबसे पहले चेंज करना चाहूंगी हमारे इंडिया के जो रेक्टिफिकेशन वाली एजुकेशन सिस्टम है ना उसको. मैम आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लाइफ में कभी यूज किया? कभी नहीं. या इस तरीके की इतनी मोटी मोटी बुक हम बच्चों को दिन भर, बेटा मैं पानी भी यहाँ ला के दूंगी, खाना भी यहाँ ला के दूंगी, तू पढ़, तू पढ़. और पढ़कर हम क्या बना रहे हैं, एटीएम मशीन या रोबोट. तो सबसे पहले चेंज करना है इस एजुकेशन सिस्टम को. याद करिए दोस्तों, 72,000 गुरुकुल थे और इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था. बिल्कुल बिल्कुल. तो बस उस एजुकेशन सिस्टम को लाना है और वही ला चुकी हूँ. शायद ये इतने रिवॉर्ड्स इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि लाइफ स्किल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है. आज आपका बच्चा कितना भी पढ़ ले लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आए सहनशीलता छोड़ देते हैं. कोटा में देखिए लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं मैम, 99% लाने वाले सिर्फ 97% लाने से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो ये एजुकेशन हम जब बच्चों को लीडर्स बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना हमारा मिशन है, तो ऐसे बच्चे खड़े करना है जो संस्कार के साथ टैलेंट को आगे लेकर जाए. भारत तो ऑलरेडी है, बस ये थोड़ा सा चेंज करने से हम कहीं और होंगे. क्या बात है मैम. बच्चों में संस्कार का होना भी बहुत ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ये संस्कार जो है वो स्कूलों में भी कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं. मतलब स्कूलों में भी ऐसा है कि पर्टिकुलर आप सिर्फ एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, अदर एक्टिविटी जो है वो पहले की अपेक्षा अभी जो है वो नहीं दिखाई देती. नहीं मैम, स्कूल वाले ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा रहे हैं. मैं यहाँ पर किसी भी स्कूल को नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी हम जो नॉलेज देना शुरू कर रहे हैं ना, जो लाइफ स्किल, मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे मैं खुद लास्ट 20 ईयर्स से बाल संस्कार टीचर रह चुकी हूँ. अच्छा। गायत्री परिवार की, स्वाध्याय परिवार की, हर संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं संस्कार, जिसमें संस्कार क्या होता है भाई, एक घंटे में बच्चा आएगा, श्लोक संस्कृत भी सीखे क्योंकि वो ब्रेनी लैंग्वेज है. उसके साथ
बच्चों को मोरल स्टोरी बताना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट कराना जरूरी है, माइंडफुल गेम्स एक्टिविटी कराना जरूरी है। तो आजकल ना वो जो इंडोर एक्टिविटी की जगह कहीं ना कहीं राइट ब्रेन को यूज करें, हम उसी पे काम कर रहे हैं मैम, पूरे राइट ब्रेन डेवलपमेंट का काम है। और आज मेरे बच्चे ही आप देखिए सुपर टैलेंटेड होकर रोज अपना नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों इनविजन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक्स में जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है मोटिवेशनल इंटरनेशनल स्पीकर आरती खंडेलवाल। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जी हाँ, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आरती खंडेलवाल को। मैम, जैसा कि अभी तक हमारी क्वेश्चन की श्रृंखला जो थी वो चल रही थी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपके बारे में सुना है कि बहुत ही छोटी सी उम्र में आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, तो कैसे करती हैं आप ये सब? यस दोस्तों, इसका क्या बताऊं, बस एक चीज है जो मिला है। अब इसको यदि क्रेडिट कहा जाए तो 24/7 आपको एनर्जेटिक रहना है। Okay. और 24/7 आपको अपना बेस्ट देना है, अपने आप होता चला जाएगा। तो किसे कहूँ, लेकिन हाँ इसका श्रेय मैं जरूर एक आपको बात बताना चाहूंगी। अभी मेरा बर्थडे गया, मेरी मम्मा ने मुझे विश किया तो सुबह 5 बजे उनका कॉल आया और उन्होंने एक लाइन कहा कि बेटा मैंने जितने संघर्ष किए थे ना आज मुझे वो सब भूल गई हूँ तेरे अचीवमेंट को देखकर। क्या बात है। तो और सेम मेरे पापा अभी नहीं है, लेकिन मेरे पापा बचपन में, मैं 5th क्लास में थी और न्यूज़पेपर में नाम आया था, आते जाते सबको दिखाते थे, देखो आरती का फोन फोटो आया है और आरती ऐसा बहुत कुछ करने वाली है। तो ये सबसे मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम करते हैं ना उसका श्रेय हमें नहीं जाता। कुदरत में कब कौन आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहा है, कहाँ से कौन सपोर्ट कर रहा है, उसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। तो छोटी उम्र जरूर है, लेकिन सोचिए क्रेडिट यहाँ पर बचपन के पेरेंट्स से लेकर मेरे हर स्टूडेंट, मेरे हर फैमिली मेंबर्स सभी को देना चाहूँगी, जिनके कारण शायद ये किसी को बहुत टाइम लगता, मैंने बहुत जल्दी हासिल कर लिया। क्या बात है। मैम, बिंग अ लेडी, आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दयनीय स्थिति है, खराब स्थिति बोल सकते हैं, वो आज की लेडीज लोगों की है। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, आफ्टर मैरिज बोलो या बिफोर मैरिज बोलो, बहुत जल्दी जो है वो नर्वस हो जाती है। तो ऐसी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बात है। मुझे लग रहा है मेरे ही जीवन की चीजें चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए बिल्कुल सही बात है। लेडीज आज ये मैं जरूर कहूंगी कि वो कभी भी पूरा 24 आवर्स अपने करियर या सक्सेस में नहीं लगा सकती, क्योंकि उसके पीछे बहुत जिम्मेदारियां होती है। और लेडी क्योंकि सबके बारे में सोचती है ना, तो डिप्रेशन, आज ये मैंने भी एक मुकाम आया जब मैं भी शायद वो कंडीशन में थी, इसीलिए आज मैं इंटरनेशनल सेल्फ मास्टर्स स्पेशल फॉर लेडीज एक सेशन चला रही हूँ। जो मैंने देखा आज, खुशी कहीं ना कहीं, हैप्पीनेस क्लब भी हम रन कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो वहाँ पर खुशी का जो मेन मायना है ना वो समझ में आया कि जब हमें किसी से एप्रिसिएशन मिलता है ना, वो भी एक खुशी का बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी बात है। और एप्रिसिएशन कब मिलता है, जब हम कुछ नया कर दिखाते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी बना पाते हैं।
तो अभी जो आप लेडीज के लिए कह रही है ना जी, तो मैं वही एक क्लब रन कर रही हूँ जिसमें मैं लेडीज लोगों को अपनी आइडेंटिटी बनाना सिखा रही हूँ। हर लेडी, चाहे वो घर में बैठी हुई हो, कोई कोने के गांव में हो, कोई फॉरेन में बैठी हो, हर लेडी अपना टैलेंट बाहर निकाल कर घर बैठे बैठे भी अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकती है। बस यहाँ पर सेल्फ मास्टरी की जरूरत है। और मैसेज जरूर देना चाहूंगी, एक प्रोग्रामिंग बचपन से की जाती है एज अ माइंडसेट कोच, मैं बता रही हूँ कि हमें ना अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। यदि हम अपने लिए सोचते हैं ना तो हम सेल्फिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेल्फिश वो नहीं, मतलब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि कभी ना कभी एक लेडी यदि अपना ऑरा को चेंज करे ना तो पूरे घर को चेंज करती है, पूरे घर को स्वर्ग बनाती है। एक गलत मत मानिएगा, लेकिन एक जेंट्स कहीं ना कहीं अपने ऑरा तक सीमित रहता है, लेकिन लेडी समाज को बहुत अलग दौरे पे ले जाती है। तो यहाँ पर लेडी जब अपने ऊपर टाइम देगी, जो हम अलग अलग रिचुअल्स कराते हैं, आप मॉर्निंग में कुछ नहीं, अपने साथ बैठिए, अपने तारीफ लिखिए कि मैंने आज तक क्या क्या किया है। जब आप छोटी छोटी तारीफ लिखना शुरू करेंगे ना, आपको भी लगेगा हाँ मैंने कुछ किया, और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपको सेल्फ मास्टर बनाएगा, आपकी आइडेंटिटी बनाएगा, और फिर आप दुनिया में राज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, सबके लिए तो करना है, लेकिन अपने लिए टाइम निकाल कर जो आप डिप्रेस महसूस कर रही है ना, वो खुशी में बदल जाएगी। बस बिल्कुल बिल्कुल मैम, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार वही होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज आप आरती खंडेलवाल मैम से इंस्पायर हो सकती हैं, क्योंकि बिंग वो जिस तरह से अपने परिवार को बहुत बखूबी संभालती है, उसी प्रकार से हमारे समाज में जितनी भी युवा पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। और इसके पीछे जो है वो सभी लोगों की ब्लेसिंग भी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम मैं जानना चाहूँगी कि एज अ मोटिवेशन स्पीकर, जीवन में अक्सर अगर सक्सेस पाना है तो क्या किसी चीज़ पर पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए? वाह, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए लेडीज की बात आई मैम जी, और लेडीज कभी भी एक चीज पे फोकस तो रही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मल्टीटास्किंग करती हैं। आज तक यदि मेरी भी लाइफ को यदि आप देखें ना, मुझे हर जगह रिवॉर्ड अवार्ड मिला है एज अ मल्टी टैलेंटेड लेडी, है ना। yes. तो यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड होना बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी बहुत मल्टी चीज कर रही थी ना तो उलझ गई थी जी। तब मुझे ये समझ में आया कि सिस्टमेटिकली एक काम को एक बार में पूरा करो, फिर दूसरे में फोकस हो। क्योंकि आज आप जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को देख लो, बिजनेसमैन को देख लो, एक बिजनेस से तो वो नहीं बनते हैं मिलीनियर, उसके लिए उनके बहुत सारे चैनल्स में रहते हैं। तो यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, बट फोकस लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फोकस के साथ मैं कहूँगी कि जब एक चीज़ को आप पकड़ रहे हैं ना, तो उसमें कंसिस्टेंट रहना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आज सिर्फ लॉकडाउन में मैंने दो ही चीज़ को पकड़ा, इवन दो आई एम मल्टी टैलेंटेड, कि मुझे बेस्ट पेरेंटिंग कोच बनना है बच्चों और लेडी के लिए। क्योंकि उस समय जो पेरेंट मुझे गॉड की तरह ट्रीट कर रहे थे कि मैम आप जो बता दे रहे हैं ना, हम यही मिस्टेक कर रहे थे, कुछ नहीं, लाइफ की जर्नी थी। और लेडीज के लिए मैंने सेल्फ मास्टरी जो किया, तो दो ही चीज पे फोकस किया, लेकिन वो दोनों को मैं 2 साल बिल्कुल नहीं छोड़ी, और आज वही कंसिस्टेंसी मैम मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिलाई है। तो फोकस और कंसिस्टेंसी रखिए, कोई भी एक चीज में मल्टी हुई है, लेकिन एक टाइम पे एक चीज जी। मैम वैसे ये एक सवाल जो है, भगवान ना करे कि कोरोना जैसी महामारी जो है वो दोबारा हमारे देश में आए, लेकिन अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की हम बात करते हैं तो किस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? आप अगर किसी को ऐसी चीज़ें बताती हैं तो वो ऑफलाइन ज़्यादा असर करती है या फिर ऑनलाइन? देखिए मैम, इसमें भी मैं दोनों चीज़ कहूँगी। जब तक कोरोना नहीं आया था ना, तो हमारी मिथ थी कि ऑनलाइन से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली वो अभी भी है, क्योंकि वो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम की भी बात अगर हम करें तो ऑनलाइन में बच्चा उतना नहीं अच्छा कर पा रहा है जितना ऑफलाइन में। तो आपके फील्ड में कैसा मतलब संभव है ये दोनों चीज? यहाँ पे दोनों चीज को मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन, देखिए बच्चे का फोकस यदि ऑनलाइन रखे ना तो वो टीवी मोबाइल ये सब एडिक्टेड होता है। तो उनके लिए मैं कहूंगी फिजिकल जरूरी है, बट
हाँ. फिर भी जैसे हम संडे के संडे अभी गुड न्यूज मैं दो तीन दूंगी मैम, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बाल संस्कार केंद्र शुरू करने जा रहे हैं. क्या बात है. हाँ, जिसमें ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और एक घंटे में वो फुल एंटरटेनमेंट करेंगे. तो यहाँ पे ऑनलाइन भी आप उनसे करवा क्या रहे हो. मेरे बच्चे ऑनलाइन में ऐसे नहीं बैठते हैं, मेरे बच्चे खड़े रह के जंप करेंगे, इंजॉय करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि उनको फोकस लैपटॉप या मोबाइल में नहीं देना है, उनको अपने टैलेंट में देना है. तो ये ऑनलाइन सेम यदि बात करूं, लेडीज भी हैं, कोई भी. जो अभी एक और गुड न्यूज दे देती हूँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप लोगों को जो मैंने कहा ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती है दोस्तों, और हर बार मैं न्यू ईयर में अलग अलग चीजें देती रहती हूँ, तो इस बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोच आरती खंडेलवाल यूट्यूब चैनल, या हमारे जूम में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जादू मेक योर लाइफ मैजिकल, जिसमें आधी घंटा आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड राइटिंग करना है, मतलब धन्यवाद, और आपकी लाइफ अगेन हर फील्ड में, चाहे रिलेशन हो, करियर हो, आपका मनी प्रॉब्लम हो या कुछ भी, हर चीज़ चेंज हो जाएगा सिर्फ धन्यवाद देने से. तो यहाँ पर ये दोनों टिप्स हैं, और ऑफलाइन और ऑनलाइन मैंने यही समझा दिया कि डिपेंड करता है सिचुएशन. लेडीज जब मेरे साथ रहती हैं मैम, देखिए घर से बाहर तो नहीं निकल सकती, लेकिन ऑनलाइन यदि वो जुड़कर आधी एक घंटा रूम बंद करके यदि मेरे साथ हो जाती है ना, तो ऑफलाइन भी एक तरफ है. तो ऑफलाइन में तो मुझे नागपुर वाले सब जानते ही है, लेकिन ऑनलाइन में मैं ये वादा करती हूँ उतना ही रेस्पॉन्स रहता है, बस आपका माइंडसेट उस समय क्या है वो मायने रखता है. जी बिल्कुल. आखिरी सवाल मेरा आपके लिए रहेगा कि कुछ स्पेशल ट्रिक्स, वैसे तो बहुत सारी जानकारी जो आपने दी है उससे डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा, लेकिन आपकी लाइफ के कुछ स्पेशल ट्रिक जिसे आप हमारी जो है वो हम सबकी, मतलब दर्शकों की, हमारी सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए, जीवन से नेगेटिविटी जो है वो हट जाए, पूरी तरीके से तो नहीं हटेगी लेकिन एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर का फायदा हमको हमारे स्टूडियो में उठाना है, इसलिए आप बताइए कि ऐसी कोई स्पेशल ट्रिक है जिससे आप सभी की जिंदगी आसान हो जाए. बिल्कुल, यहाँ पर मैम एक चीज मैं बताना चाहूंगी, एक तो ट्रिक के लिए इतने कम समय में होगा नहीं, नहीं। तो आप मेरे कोच आरती खंडेलवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहले भी दिया है और आगे भी मैं बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स देती रहूंगी जो आप डेली लाइफ में 24/7 अप्लाई करके सक्सेसफुल पर्सन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी मैम 24 घंटे से ज्यादा समय तो नहीं होता है, लेकिन वो हर काम को कुछ अलग तरीके से करते हैं. जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं. तो वो ट्रिक्स तो मैं दे ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी जो है ना, उसमें इंसान की एक सबसे बड़ी गलती है मैम, ये जब मुझे समझ में आया तो जो मैंने आज तक जितने अपने सालों में नहीं किया ना, ये मोटिवेशनल स्पीकर में अभी जस्ट लॉकडाउन से ही मेरे को बोलना पसंद था, सारे मल्टी टैलेंट साइड रह गए और बोलने की कला सामने आ गई. क्या बात है. तो यहाँ पर मुझे मेरे मेंटर्स से समझ में आया, मेरे पूरे इंटरनेशनल अलग अलग मेंटर्स भी हैं, क्योंकि जब तक हम मेंटर नहीं बनाएंगे ना, हम सिर्फ बुक देख देख के या यूट्यूब चैनल देख के नहीं सीख सकते. तो मेंटर जो मुझे बोले ना, इंसान एक सबसे बड़ी गलती करता है और वो है कि इंसान सोचता नहीं है. बिल्कुल. यहाँ पर आप जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं ना, आप सोचना शुरू करो. हम पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकती, अरे मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, अरे मैं थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन सकती हूँ. लेकिन आपने सोचा और आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में गई, और यदि वो इंटेंशन अच्छा है, एक्शन है आपका, तो वो जरूर आएगा. और ये हमने प्रूफ करके दिखाया है. मेरे साथ गोल सेटिंग के जो सेशन होते हैं मैम मेरे ऑनलाइन, जो 3 महीना पहले लोग सोचे होते हैं, उनको मैं ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताती हूँ कि 3 महीने बाद उनके सारे गोल कंप्लीट होते हैं. क्या बात है. तो ये ट्रिक बस आप लोगों को अभी तो यही कहूंगी, बहुत पॉजिटिव सोचो. जैसे कि मैम ने मुझे ऐसे ही पूछा कि भाई मैम आपके स्ट्रगल बहुत रही होगी, इसको भी मैंने क्या आंसर दिया, मैम मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल था ही नहीं, मेरी चीज बहुत इजी हो गई. इजी हो गई. तो ये भी देखिए मैम, आपने नेगेटिविटी जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया.
लाइफ में यूं ही किसी को सक्सेस नहीं मिलती, कहीं ना कहीं आपको भी आया, लेकिन आपने बहुत ही प्यार से पोलाइटली पेशेंस के साथ जो है वो अपने लाइफ को बहुत इजी रखा है। नहीं और इजी मैम, देखिए आप भी जो देख रहे होंगे बोलेंगे मैम आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, हमारी लाइफ का आपको क्या पता। मैं हर पेरेंट को यही बोलती हूँ, हर जो मेरे स्टूडेंट रहते हैं उनको यही बोलती हूँ, बोलोगे मैम आपको मेरे घर का क्या पता, मैम आपको मेरे बारे में क्या पता, अरे आपको हमारे बारे में क्या पता। लेकिन आप देखिए पॉजिटिवनेस यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। बोलना तो शुरू करिए, सोचना इंटेंशन के साथ तो शुरू करिए, पूरा यूनिवर्स डेफिनेटली सपोर्ट करेगा आपको। क्या बात, हम आपके साथ हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास तौर पर हमने आमंत्रित किया था आरती खंडेलवाल को। आरती मैम एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, बहुत ही बन चुका है हमारा इंटरनेशनल पेरेंट चाइल्ड क्लब बना है, सेल्फ मास्टर क्लब बना है, हैप्पीनेस क्लब बना है। ऑनलाइन कहीं भी रहकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी हमारे यूट्यूब को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और मैं दिल से चाहूँगी कि आप लोगों को भर भर कर दूँ, क्योंकि दुनिया में आए हैं इस उद्देश्य से कि जीना है और जीवन देना है। ये एक दिन का काम नहीं लेकिन एक दिन, बिल्कुल मेरे हर बच्चे से आप पूछ लो, हर स्टूडेंट कहता है एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्या बात है दोस्तों, इनविजन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइंडसेट कोच, एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग एंड सेल्फ मास्टरी, डायरेक्टर ऑफ आर्ट बसेरा क्लब की डायरेक्टर आरती खंडेलवाल उपस्थित थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।